बड़ी खबर हम आपको जनपद अमरोहा के गदरोला से बता रहे हैं। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलता विषैला धुआं वातावरण को दूषित कर जीव जंतुओं की जिंदगी में घोल रहा जहर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के औद्योगिक क्षेत्र गदरोला के नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंसेज कंपनी की चिमनियों से निकलता हुआ विषैला धुआं और जहरीली गैसें वातावरण को कर रही हैं दूषित। गौरतलब हो कि औद्योगिक क्षेत्र गदरोला के नेशनल हाईवे किनारे स्थित केमिकल फैक्ट्री जुबिलेंट लाइफ साइंसेज की चिमनियों से शनिवार शाम को विषैला धुआं और जहरीली गैसें छोड़ी गयी, जिससे वातावरण पूरी तरह से दूषित हो गया और आमजन को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसका बड़ा प्रभाव बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ सकता है। खांसी और दमा जैसी बीमारियों को विकराल रूप दे सकता है। बता दें कि एक तरफ तो मनुष्य कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ केमिकल फैक्ट्रीज कोरोना काल में भी जहरीली गैसें छोड़कर मनुष्यों को दूसरी घातक बीमारियों से लड़ने को मजबूर कर रही हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने के कारण सांस, दमा और फेफड़ों से संबंधित जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सांस लेते हुए शुद्ध ऑक्सीजन की जगह मनुष्य विषैली गैसों से दूषित ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जा रहा है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत सी नई तकनीक ला रही है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है और प्रदूषण पर रोकथाम नहीं कर रहा है। आए दिन यहाँ के लोगों को इन जहरीली गैसों में सांस लेनी पड़ती है। अगर समय रहते हुए इस पर रोकथाम नहीं की गई, तो धीरे धीरे फसलें, पशु पक्षी और पेड़ पौधे नष्ट होते चले जाएंगे। रिपोर्ट PTNI न्यूज ब्यूरो जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो